नमस्कार जी, मैं हूं महेश कुशवाहा। आप सभी का स्वागत है साइकिल रिव्यू में। शुरू करते हैं घंटी बजा के। आज के रिव्यू में साइकिल जो लेके आया हूं, जो कि जीके कंपनी से MTB साइकिल है, और इस साइकिल के बारे में अच्छाई और खामियां, इसकी कीमत और लाइफ में कैसी रहेगी, फ्यूचर साइकिल का प्लान कैसा रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहिए अंत तक। तो देख सकते हैं ये साइकिल जो है, इस साइकिल का मॉडल है वाइकिंग, और ये 4-5 कलरों में आता है, और ये एक नया मॉडल अभी आया है। इसकी बात करें कि ये किसके लिए रहेगा, तो ये साइकिल 10 साल का बच्चा, जो 10 साल के बच्चे से लेकर के इसको 15 साल के बच्चे के लिए, अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं तो 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए इसको खरीदिए। अगर 15 साल का बच्चा है, 15 साल से ऊपर है, तो वो होगा 26 साइज में परचेज करना है उस, ठीक है, उसके ऊपर जितना भी बड़ा हो जाए बच्चा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 26 साइज। और अगर 10 साल से लेकर 14 साल एज है तो 24 साइज परचेज करना है ये मॉडल। इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले सीट यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी मुलायम है और ये बॉडी के हिसाब से कंफर्टेबल मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पे क्विक रिलीज लीवर दिया गया है, इसको खोलेंगे तो सीट जो है ये हमारे को जरूरत पड़े तो इसको 5 इंच तक और ऊपर लेके जाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें जो डिजाइनिंग किया गया है, बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर लगा हुआ है जीके का, QR कोड फेसबुक का दिया हुआ है। इसके साथ ही हैंडल ग्रिप की बात करूँ तो काफ़ी मुलायम हैंडल ग्रिप है। ब्रेक की बात करूँ तो 329 ब्रेक लीवर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके साथ ही हैंडल में आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि रिफ्लेक्टर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो ये फिटिंग है ये यहाँ देना चाहिए था, एक बड़ा क्लैंप आता हुआ यहाँ फिट होगा, तो मैकेनिक ने इसको यहाँ फिट किया क्योंकि इसमें छोटा क्लैंप दिया हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ये क्लैंप थोड़ा बड़ा देना चाहिए था ताकि ये सेंटर में फिट हो, तो इसका लुक और भी बेहतर निखर के आता। वैसे इसकी क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ ही हैंडल स्टैम्प की बात करेंगे तो हैंडल स्टैम्प इसमें अलॉय का दिया गया है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। हैंडल बार जो है इसमें दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस किया हुआ है और काफ़ी अच्छा हैंडल बार दिया गया है। हैंडल बैरिंग की बात करें तो थ्रेडलेस हैंडल बैरिंग इसमें यूज किया गया है, और बड़े वाले इसमें हैंडल बैरिंग यूज है, जिसकी स्मूथनेस और लाइफ पर कोई शक नहीं किया जा सकता, स्पेशली इसमें GK का यूज किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर सस्पेंस फ्रंट में बात करें तो इसमें सस्पेंशन देती है कंपनी, जो कि 70 mm लगभग ये ट्रैवल करता है, और काफ़ी अच्छा GK का इसमें फॉर्क दिया गया है। ये सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छा ट्रैवल करता है और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। इसके साथ ही हम बात करेंगे तो इसमें पावर ब्रेक की भी जगह दी गई है, कल को आप चाहें तो पावर ब्रेक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैकेनिकल डिस्क ब्रेक दिया गया है। डिस्क ब्रेक पे हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं रिम पे। अलॉय रिम इसमें डबल वॉल रिम दिया गया, जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है और लॉन्ग लाइफ होता है। पावर ब्रेक नहीं है तो क्या है, ये रिम की लाइफ और भी डबल हो जाती है। इसके साथ ही इसमें हम बात करें टायर, तो टायर यहाँ देख सकते हैं रालसन कंपनी का इसमें टायर दिया गया है, और ये टायर बहुत ही काफ़ी मोटा टायर है, 24-35 का इसमें टायर है, जो टायर की जो ग्रिप है ऑफ रोडिंग करने के लिए ये किंग माना जाता है, इसमें स्लिप नहीं होता, ये ऑफ रोडिंग यानी कितनी भी ख़राब रोड हो उसके हिसाब से बनाया गया है। ऑफ रोडिंग हो, बरसात का मौसम हो, कीचड़ हो, बहुत ही उसमें अच्छी सी ग्रिप रहती है, फिसलने का चांस बहुत ही कम रहता है। इसके साथ ही जो इसमें ट्यूब दिया गया है, ऑटो बॉल इसमें ट्यूब दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि अक्सर लोगों को साइकिलों में देखा जाता है कि उस साइकिल का हवा बार बार निकलता है, क्यों, नॉर्मल उसमें वाल ट्यूब रहता है तो क्या होता है, एक महीने में उसमें रबड़ होता है, वो लूज हो जाता है और बार बार हवा निकलता है, और उसका प्रेशर लोग नहीं चेक कर सकते, इसे दबाते हैं तो प्रेशर का सही अंदाज़ा नहीं लगता है। इसमें क्या ऑटो बॉल दिया हुआ है तो ये लाइफ टाइम ये वाल ट्यूब चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, और इसमें हवा डालने के बाद इसका एयर प्रेशर चेक किया जाता है, 35 इसमें एयर प्रेशर रखना होता है। अब हम आते हैं डिस्क ब्रेक के ऊपर, 160 mm का इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है, और यहाँ पर कैलिपर दिया गया, और इसकी फिटिंग काफ़ी बेहतर है और अच्छा काम करता है, मैंने खुद सैंपल करके देखा तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आया। फ्रंट में हब की बात करें तो इसमें मेटल का हब दिया गया है, जो कि 36 हॉल का है। स्पोक की बात करें तो ब्लैक ED स्पोक दिया गया है। ब्लैक ED का फ़ायदा ये होता है कि इसमें
जंग या मूर्छा जिसको आप कहते हैं वो इसमें कभी भी नहीं लगेगा। इसके साथ ही स्पोक में आपको रिफ्लेक्टर एलो मिल जाता है जो कि नाइट में या कुहासे में बारिश में चलाते हैं तो सामने से कोई गाड़ी आती है तो उसको अच्छे खासे मालूम चलता है। फ्रेम के हेड के ऊपर यहाँ पे जीके का लोगो दिया गया है और यहाँ पे जीके बाइक लिखा गया है। और ये खास चीज़ मैंने देखा कि ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, नहीं आई है मार्केट में, लेकिन साइकिल को हर महीने बहुत ही तेज़ी से अपडेट कर रही है। जो भी कमियां होती हैं कि कंपनी होती है उसमें कुछ कंप्लेंट आता है तो वो कंपनी इस पर काम नहीं करती है, उसको अपडेट नहीं करती है, लेकिन इसमें कुछ भी कंप्लेंट आता है तो बहुत ही जल्दी जल्दी उसको उस टेक्नोलॉजी को अपडेट करके बहुत ही बेहतर बनाते जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है बोतल होल्डर, वाइकिंग इसका मॉडल है। यहाँ पर कुछ गारंटी वगैरह के वारंटी के बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वार्टर पिन लेस चैन व्हील दिया गया है, विद गार्ड के साथ आता है, चैन गार्ड के साथ। इसमें जो पैडल यूज किया गया है ये जीके का पैडल है, यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है, यहाँ पे कैमरे में नहीं दिख पाएगा, यहाँ पे अंदर ब्रांडिंग किया गया है, जीके का पैडल है। और मैं बताऊँ हमारे देश में पैडल की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है, अच्छी अच्छी कंपनी को पैडल नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये पैडल काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। इसके साथ ही जो कई बार नई साइकिल लोग लेते हैं तो उसमें चैन में कट कट की आवाज़ें आती रहती हैं, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, स्मूथनेस एक बहुत ही अच्छे लेवल का है। इसके साथ ही इसमें जो बॉटम बेयरिंग दिया गया है ये सिल टाइप दिया गया है जिसकी स्मूथनेस बहुत ही अच्छा होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक क्वार्टर पिन का सिस्टम होता है, उस पर हथौड़ी मारते हैं तो वो जो भी हथौड़ी से मारते हैं चोट तो वो क्या होता है वो बेयरिंग के ऊपर जाता है और उसमें निशान पड़ के बेयरिंग ख़राब होता है। तो इसमें क्वार्टर पिन है नहीं तो मैकेनिक को हथौड़ी नहीं मारनी पड़ेगी। इसके तरफ पीछे भी वही सब कुछ दिया गया है, ब्रेक रिम वगैरह जैसा कि आपको मैंने बताया था। टायर की बात करें तो यहाँ पे टायर आप देख सकते हैं लाइलून टायर दिया गया है, एक नॉर्मल टायर के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा इसकी लाइफ होती है जो नाइलून टायर होता है। इसके साथ ही पीछे भी आपको मेटल का हब मिल जाता है, फ्रीविल के साथ में फ्रीविल गार्ड भी दिया, स्पोक गार्ड दिया गया है, पीछे भी आपको मिल जाता है सब कुछ। स्टैंड मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा स्टैंड की कंप्लेंट आ रही है, साइड स्टैंड जो होता है साइकिलों में, हाई एंड साइकिलों में खास तौर पे, उसमें ज़्यादातर जो स्टैंड आते हैं प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। उसके टूटने के 2 कारण होते हैं, एक तो उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है, दूसरी साइड स्टैंड जो होता है साइकिल को खड़ा करने के लिए होता है। और कई बार क्या होता है बच्चे साइड स्टैंड पर खड़ा करके साइकिल पर चढ़ते हैं, बाद में साइड स्टैंड आता है तो उनके शरीर का जो लोड होता है वो स्टैंड के ऊपर आता है, इसलिए वो डैमेज होता है। तो पहली ऐसी गलती आप नहीं करें। दूसरी चीज़ इसमें क्या किया है कंपनी ने, स्टैंड बहुत ही हाईवी और अच्छा लगाया है। इसके साथ ही जहाँ पर कई बार आप लोग देखते होंगे एक पत्ती रहती है जिसमें स्टैंड फिटिंग किया गया है वो बार बार डैमेज होता था, अलग अलग कंपनियों में इस तरह की शिकायत बहुत ज़्यादा है कि कोई नई साइकिल ले और 15 दिन 1 महीने में टूट जाए और बाद में उसको वेल्डिंग कराना पड़े तो साइकिल का पूरा रंग ख़राब हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है यहाँ पे पत्ती दिया हो और इसको डबल वेल्डिंग है, एक इधर से वेल्डिंग है और ये पत्ती सिर्फ ये नीचे ही रहती थी लोगों की, ये पत्ती जो है सिर्फ नीचे रहती थी और इन्होंने क्या किया है इस पत्ती को यहाँ से बेंड करके ऊपर लेके आए, देखिए ये ऊपर की तरफ तो ये यहाँ ऊपर आ गया और फिर नीचे भी, तो अंदर बाहर से इसमें डबल वेल्डिंग हो गई है। तो ये एक नॉर्मल स्टैंड के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा इसकी मजबूती है, अगर इसके सही तरीके से यूज करें तो मैं कहता हूँ लाइफ टाइम ये साइड स्टैंड नहीं टूट सकता है। और ये फ्रेम जो है हाईवी ड्यूटी ये फ्रेम बनाया गया है, देख सकते हैं इसको बहुत ही हाईवी ड्यूटी, अगर इसको सही से यूज करने वाला आदमी है तो लाइफ टाइम नहीं खराब होगा, हाईवी ड्यूटी। और इसके साथ ही एक चीज़ मैं और बताऊँगा, ये फ्रेम जो है मास्टर फ्रेम है। आप बोलेंगे मास्टर फ्रेम क्या होता है, तो मास्टर फ्रेम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ फ्रेम साइकिल बनाई जाती हैं जो कि सिंगल स्पीड यानी उसमें गियर नहीं होगा वो साइकिल में सिंगल स्पीड की साइकिल होगी और उसमें गियर नहीं होता है। तो बाद में जब कई लोग उसमें जाते हैं गियर लगवाने के लिए तो गियर लगता नहीं है और लगाते भी हैं मंगेनी तो जोगाड़ से लगाते हैं, उतना बेहतर नहीं बन पाता है, ठीक है। दूसरी साइकिल आती है गियर वाली, तो वो क्या होता है गियर वाली साइकिल होती है वो गियर में चल रही है, अब बाद में सामने वाले को साइकिल ले लिया, साइकिल लेने के बाद ख्याल आता है यार मुझे गियर साइकिल नहीं पसंद है मुझे तो सिंगल में ही चलना है, ठीक है। तो वो कहता है मैकेनिक में जाता भाई सिंगल स्पीड बना दो, तो पहली बात वो बनती नहीं है, अगर कोई वैसा जुगाड़ू मैकेनिक रहता है तो वो सिंगल स्पीड उसको भी बना देता है, लेकिन क्या होता है 2-4 महीने में वो कबाड़ में फेंकनी पड़ती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और सिंगल स्पीड वाले को गियर वाले बनाते हैं तो वो भी वही होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, बनता नहीं है। और ये तीसरा एक टाइप हो गया, एक नॉर्मल फ्रेम, गियर फ्रेम और ये मास्टर फ्रेम। मास्टर फ्रेम क्यों कह रहा हूँ, इसमें क्या खासियत है, इसमें
ये देख सकते हैं आप, ये जो दिया गया है ये सिंगल स्पीड के लिए दिया जाता है, और ये जो पॉइंट दिया गया है गियर के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही ये जो पॉइंट है ये गियर के लिए केवल देने के लिए दिया जाता है, और ये फ्रंट गियर के लिए दिया जाता है, ठीक है। सील्ड बैरिंग है, क्वार्टर पिन लेस, इसमें बॉटम ब्रैकेट दिया गया है। तो इसमें जब भी आप चाहें सिंगल स्पीड में साइकिल ले लिए, और कल को आपके दिमाग में ख्याल आता है कि नहीं मुझे तो गियर साइकिल चाहिए, तो उसके लिए आपको ये साइकिल फेंकने या बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर डबल गियर 21 स्पीड का ऐड कर सकते हैं और 100% सक्सेस होगा। और ये साइकिल गियर में भी आता है 21 स्पीड में। तो अगर आपने गियर में ले लिया, बाद में आपको ख्याल आता नहीं मुझे तो सिंगल स्पीड में यूज करना है, तो थोड़े बहुत खर्चे आते हैं, बहुत ही कम, और उसमें ये सिंगल स्पीड में भी हो जाएगी। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि 10 से 14 साल के बच्चे के लिए साइकिल बनाया गया है, और ये फ्रेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल को मैंने फिट किया, और साइकिल को चेक करने के लिए 3 फार्मूले होते हैं। ज़्यादातर लोग को कैसे रिव्यू करते हैं साइकिल का, किसी का देख लिया, पूछ लिया, रिव्यू कर दिए, पढ़ के रिव्यू कर दिए, तो मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं 3 फार्मूले पे इसका रिव्यू रिजल्ट दे रहा हूँ कि साइकिल कैसे बेहतर है। पहला, जो कंपनी ने इसके बारे में लिखा है मैंने वो पढ़ा। दूसरा, जब मैकेनिक साइकिल को फिट करता है तो कहाँ कहाँ उसमें कमियाँ वो पता चल जाती हैं, दूसरे फार्मूले पर चेक किया। और तीसरा, जो कस्टमर खरीद करके लेके जाता है, चलाता है, तो 6 महीनों के भीतर क्या क्या कंप्लेंट आता है वो, इन तीनों को मिला करके पता चलता है कि साइकिल कितनी बेहतर या कितनी घटिया बनी है। तो तीनों टेस्ट में ये साइकिल पूरी तरीके से बेहतर पास हुई है, निकल के अच्छा रिजल्ट आया है। मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे जो नामी ब्रांड है वो भी, लेकिन कमी तो कमी ही मानी जाएगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लाइट अच्छा है इसका, जो ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक छोटा सा क्लैंप है, ये यहाँ देना चाहिए था। इतना अच्छा साइकिल बनाने वाले व्यक्ति ये इतनी छोटी सी मिस्टेक कैसे कर गया, खैर ये कोई मायने नहीं रखता है। बहुत सारी साइकिल में आपने देखा होगा ये होता ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस एक सिंपल सा जो है रिफ्लेक्टर होता है, वो आदमी चाहे तो एक्सेसरीज में अलग से यहाँ पे लगवा सकता है। तो सब कुछ मैंने बताया, अब बता देता हूँ मैं इसका दाम। इसका दाम जो है, इस साइकिल का MRP जो है 24 इंच सिंगल स्पीड का ये साइकिल है, और इसका MRP है 14,149 रुपया। अगर ये 26 में लेंगे तो 300 रुपया और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इसका AMRP है। लेकिन अगर आप कहीं लेने जाते हैं तो इसमें डिस्काउंट वगैरह मिलता है, तो लास्ट आपको 10,000 के आसपास ये साइकिल मिल जाती है। तो मैं इस साइकिल के बारे में जो भी कुछ था मैंने इस वीडियो में आपको बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।